लिए कॉमेडी बॉक्स में ज्वाइन किया है। कोच हैं विमेन फुटबॉल टीम की शाइस्ता लगारी, और मेरे मुझे ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आसिफ लांगो। वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू। शाइस्ता, कैसे देख रही हैं आप इस मैच को? बहुत खुशी हो रही है और मज़ा आ रहा है, क्योंकि रोज़ एक नया एक्सपोजर मिलता है, एक नया जो है मैच देखने को मिलता है, तो बिलीव करें बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे पहले एक ओवरव्यू अगर आपसे हम इस टूर्नामेंट का ले सकें। सबसे पहले मैं दो तीन चीज़ें ज़रा हाईलाइट करता चलूँ यहाँ पे। हमारा ये थर्ड एडिशन ऑल पाकिस्तान डायमंड जुबली फुटबॉल गोल्ड कप हमारा जो स्टार्ट है, ये सबसिक्वेंट अपन हमारे जो दो पहले इवेंट्स जो हुए हैं उसके बाद हमने जो है ना यही प्लान किया कि गोल्ड कप फुटबॉल को हम कंसेक्यूटिवली आगे लेके चलें, और हर साल जो है तक हर साल तीसरा साल है सर, जा रहे हैं इसी के साथ टीम ग्राउंड में दाखिल होते हुए हम फक्तन लेते रहेंगे जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस करता है। आप हमारे साथ मौजूद हैं सर, ये देखिए दोनों टीमें लाइन अप होते हुए, तो ये तीसरा साल इसका, ये तीसरा साल है सर, ये तीसरा साल है। और इसमें जो है ना हमारी जो है ना कोशिश ये रही है कि जो भी गैप्स एंड लेकुनास थे प्रीवियस ईयर्स में, हम वन बाय वन बिट्स एंड पीसेस में हम उनको इम्प्रूव करते रहें, और बनिस्बत लास्ट जो टू इयर्स हैं इस साल जो है ना हमने काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव किया। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं और टीमें भी बिल्कुल लाइन अप हैं, सो और वी आर ऑल सेट फॉर आवर नेशनल एंथम, पाकिस्तान का कौमी तराना। So then, the second match of the day, it's third All Pakistan CM Balochistan Gold Cup Football Tournament. हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ लांगो। ये बड़ा आसान नज़र आता है, टीमें आई खेली चली गईं, पब्लिक ने मैच देखा, बट पसे पर्दा बैक स्टेज जो काविशें हुए हैं उसके बारे में कुछ आप हमारे सुनने और देखने वालों को बताएंगे? सर इसमें बेसिकली ये होता है कि किसी भी मेगा जो इवेंट होती है सर, कोई भी चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या हॉकी हो, बस ये पर्दा सर इसमें जो ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने देखनी पड़ती हैं। मैं बजाद खुद असिस्टेंट डायरेक्टर एक्टिविटीज़ ऑफिस में बैठ के इन तमाम चीज़ों को, मामलात को, इंक्लूडिंग खिलाड़ियों की सिलेक्शन जब होती है डे वन से इनविटेशन हम भेजते हैं, उस टाइम से लेकर टिल देयर अराइवल इन द ग्राउंड, उस टाइम तक हमने तमाम की तमाम चीज़ों को जो है ना देखना होता है। मीनवाइल किक ऑफ होते ही फाउल हुआ था जिसकी फ्री किक मिली थी बीएफए गवादर की टीम को। जो इनिशियल मुश्किलात पेश आती हैं उनको जब आप लोग टैकल कर लेते हैं उसके बाद अचानक ही कभी टूर्नामेंट के एन वस्त में कुछ ऐसे नाकाबले अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो जाते हैं, तो उसके लिए बैकअप प्लान्स आपके पास क्या होते हैं? सर इसमें ये होता है बेसिकली जो है ना हम अपने दो तीन टायर्स पे चलते हैं। इनिशियल स्टेज पे हम जो है कंस्टिट्यूट करते हैं कमिटीज ऑफ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि अकोमोडेशन कमेटी है हमारी, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमेटी है, इसी तरह सिक्योरिटी कमेटी है हमारी,
इसके अलावा जो ना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है हमारी, इन तमाम इंतजाम के हवाले से हमारे जो ना कमेटीज़ बनी हुई हैं। बैक हैंड पे क्या होता है कि अगर ये कमेटी इनिशियली चीज़ों को टैकल कर लेती है तो वेल एंड गुड, अदर देन दैट इसमें जो है ना बैक एंड में हमने और भी हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स जो बल्क में हमारे पास अवेलेबल है उनको हमने जो है ना स्टैंड बाई पे रखा होता है, जो हमारे टेक्निकल लोग होते हैं, किसी भी अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसिस की सूरत में उसमें यह होता है कि हम जो है ना चीज़ों को इमिडिएटली ज़रा देख लेते हैं और लॉजिस्टिकल जो लोगों की और मतलब ऑफिशियल्स एंड प्लेयर्स की जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी कोशिश ये होती है डे वन से जो है उनको फुलफिल करें। मीनवाइल सेंटर में खेल होता हुआ यहाँ से लॉन्ग किक लगा के गोल साइड लाइन से बाहर बॉल को फेंका, थ्रो इन मिला है। अब तक नस्बता तेज़ खेल का आगाज़ हुआ, खसूसन पाकिस्तान पुलिस की जानिब से।